हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द नोड वोल्टेज VB यूजिंग द नोडल एनालिसिस फॉर द सर्किट शोन। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में यहाँ पे ये एक नोड है, नोड B, ये नोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये सर्किट में दो वोल्टेज सोर्सेस है, इधर एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का और इधर एक वोल्टेज सोर्स है दैट इज 4 वोल्ट का, और यहां पे एक ही जंक्शन पॉइंट दिया है, जंक्शन पॉइंट यानी ही नोड, और ये नोड का नाम यहां पे दिया है बी, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम एक चेंज करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सभी प्रॉब्लम में हमने अगर वोल्टेज सोर्स हो तो हमने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करके बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व किए थे। लेकिन यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे हम वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रखेंगे और वो वोल्टेज सोर्स को लेके ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग KCL। नोडल एनालिसिस लिखा है, नोडल एनालिसिस यानी ही बाय यूजिंग KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो यहां पे हम वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रखते हैं। आप चाहे तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी वही आंसर आएगा। इसके पहले हमने सभी प्रॉब्लम में वही किए थे, लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे, आज हम वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रख के ही सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रख के कैसे सॉल्व करना। तो यहां पे सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो नोड है वो नोड में कितने ब्रांचेस लगे हैं वो चेक करो। तो ये नोड में यहां पे 3 ब्रांचेस लगे हैं। ठीक है, इधर का एक ब्रांच है जिसमें वोल्टेज सोर्स और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर का एक ब्रांच है जिसमें 4 वोल्ट और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, और ये एक ब्रांच है जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहां पे सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो ग्राउंड वाला जो नोड है, ये ग्राउंड वाले नोड को हम यहां पे इसको अर्थ कर लेंगे। तो देखो ये ग्राउंड वाले नोड को हमने अर्थ कर लिए और ये नोड का हम नाम दे देंगे। नोड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इधर एक नोड ले लेंगे, यहां पे एक और नोड हम ले लेंगे। एक्चुअली ये नोड नहीं है लेकिन हम जस्ट यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। नोड माने जंक्शन पॉइंट होता है, यहां पे कोई भी टाइप का जंक्शन नहीं है, लेकिन यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। हम इसको कहेंगे ए, यहां ऑलरेडी बी है, इसको हम कहेंगे इधर सी। ठीक है, और ये जो नोड है जो हमने अर्थ किया है इसको हम कहेंगे डी। इसको हमने अर्थ किया है इसका मतलब इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको अर्थ किया है। और अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, ये जो नोड है ये नोड पे हमें KCL अप्लाई करना है, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर नोड पे KCL अप्लाई करना है तो नोड में जितने भी ब्रांचेस लगे हैं सभी ब्रांचेस में क्या क्या करंट्स फ्लो हो रहे वो हमें यहां पे उसका बस समेशन करना है। तो चलो एक काम करते हैं, ये तीनों ब्रांच में करंट्स का डायरेक्शन ले लेते हैं फिर उसका हम समेशन करेंगे। तो हम ये साइड से स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो ये साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक साइड लेना है चॉइस आपकी है। तो अगर हम ये साइड ले लें तो देखो यहां पे जो बैटरी लगी है, जो वोल्टेज सोर्स है उसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। ठीक है, और सबसे पहले इसके वजह से जो करंट फ्लो होगा वो हमें यहां पे ले लेना है। तो ये देखो इसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमने यहां पे इसके वजह से करंट फ्लो होना ऐसा ले लिए। यहां पे हमने कन्वेंशनल करंट ले लिया है प्लस टू माइनस। ठीक है, इस तरह से। तो ये 6 वोल्ट के वजह से ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ऐसे जाएगा ये 10 ओम में से जाएगा और ये नोड पे आ जाएगा। ठीक है, ये नोड पे आने के बाद ये नोड पे ये करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा ठीक है और कुछ इधर जाएगा। कंफर्म, बस ये करंट को अब नाम दे दो। तो ये जो करंट है, चलो हम ये करंट को कहेंगे करंट I1। ठीक है, ये नोड पे आने के बाद ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर जो गया इसको हम नाम दे देंगे दैट इज I2 और इसको हम नाम दे देंगे दैट इज I3। नेमिंग क्या देना है ये पूरा चॉइस आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से यहां से ले लिए, ये देखो यहां से मेन करंट यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से करंट यहां आएगा और यहां पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इस तरह से ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, और अब ये केस में हम ये नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो नोडल एनालिसिस में यानी KCL में वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो नोड बी पे अब हम KCL अप्लाई करेंगे तो किस तरह से यहां समेशन होगा। 3 करंट है, तीनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाले 3 करंट है, तीनों का हमें समेशन करना है। अब समेशन करने के लिए एक रूल है, रूल क्या है वो सुनो। रूल ये है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको आपको निगेटिव में ले लेना है और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। क्या कहा, जो करंट एंटर कर रहा है उसको आपको निगेटिव में ले लेना है और जो करंट लीव कर रहा है ठीक है उसको आपको पॉजिटिव में ले लेना है। अब आप कहेंगे कि ये रूल कंपलसरी है क्या, नहीं ये रूल कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसका उल्टा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में ये रूल से सबमिशन किया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा, उल्टा मतलब एंटर करने वाले जो करंट है वो पॉजिटिव और लीव करने वाले करंट निगेटिव। आप ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही चाहता है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, दोनों मेथड से फाइनल आंसर एक ही आएगा। तो हमने यहाँ पे एक रूल यहाँ पे ले लिए, एंटर करने वाले हमें करंट जो है वो निगेटिव में ले लेना है। तो चलो ये नोड पे देखो, ये नोड पे देखो कि कौन सा करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये नोड के अंदर कौन सा करंट आ रहा है। तो ये देखो, ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये नोड B पे एंटर करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये करंट एंटर कर रहा है तो ये निगेटिव में आएगा, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे निगेटिव में, दैट इज माइनस ऑफ I1, ओके। और अब ये जो करंट I2 और I3 है, चलो इनको चेक करते हैं कि वो एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं। तो जो I2 है वो B टू C जा रहा है, देखो इस तरह से, इसका मतलब B से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये करंट लीव कर रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा। और ये जो I3 है ये B टू D जा रहा है, इसका मतलब ये B से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये भी लीव कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे प्लस I2 प्लस ऑफ I3 ऐसा इक्वल्स टू जीरो। अगर आपने इसका उल्टा रूल लिए तो क्या होगा, ये दोनों निगेटिव में हो जाएंगे, ये दोनों, ये एक सिंगल जो है वो पॉजिटिव में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमने कहा फाइनल आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये हमने सबमिशन कर रहे हैं। और अब करंट माने क्या होता है, करंट माने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट I माने V बाय R, देखो करंट I माने होता है V बाय R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फार्मूला V बाय R। इसका मतलब ये जो तीनों करंट्स हैं, ये तीनों करंट को हम V बाय R के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे, इसको भी और इसको भी V बाय R के फॉर्म में लिखेंगे, ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो, ठीक है। तो ये जो करंट I1 है उसकी तरफ आप ध्यान दो, I1 कहां से कहां जा रहा है, ये जो करंट I1 है ये A से B की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट पे वोल्टेज मान लो वी ए और बी पॉइंट पे वोल्टेज वी बी, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है और इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं यहां पे कि वी ए माइनस ऑफ वी बी डिवाइडेड बाय 10। देखो हमने ये जो लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, करंट हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाता है। तो देखो करंट यहां पे A से B की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इधर का वोल्टेज ज्यादा है ऐसा मान के चलो, ठीक है, और इधर का वोल्टेज कम है ऐसा मान के चलो। तो यहां पे इसका वोल्टेज अगर ज्यादा है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज VA और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VB। तो यहां पे करंट हमने यहां पे लिख लिए VA माइनस VB, देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 10। देखो हमने V बाय R के फॉर्म में लिख लिए, हमने कहा था करंट को हमने V बाय R के फॉर्म में लिखना है, तो ये करंट को हमने V बाय R के फॉर्म में लिख लिए, लेकिन यहां पे निगेटिव है सामने, तो हम यहां पे निगेटिव में यहां पे दे देंगे इस तरह से, ओके चलेगा। और अब I2 की बारी, देखो I2, I2 की अगर बात करें तो I2 कहां से कहां जा रहा है चेक करो, I2 B टू C जा रहा है, B के अक्रॉस का वोल्टेज VB, C के अक्रॉस का वोल्टेज VC, तो B टू C जा रहा है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ज्यादा है इसके अक्रॉस का वोल्टेज कम है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि B टू C जा रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस ज्यादा है इसके अक्रॉस कम है, तो B टू C जा रहा है इसलिए हम लिखेंगे VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसके सामने प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस और यहां पे हम लिखेंगे VB माइनस ऑफ VC डिवाइडेड बाय 8, ठीक है इस तरह से। और अब लास्ट I3, देखो I3 यहां पे कहां से कहां जा रहा है, I3 जो है B टू D जा रहा है, अगर B टू D जा रहा है तो हमने पहले ही कहा था कि D के अक्रॉस का वोल्टेज जीरो है, ठीक है, तो अगर वो B टू D जा रहा है तो हम लिखेंगे VB माइनस VD डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे प्लस VB माइनस ऑफ VD डिवाइडेड बाय यहां पे 6 इक्वल्स टू जीरो। देखो ये हमने इस तरह से सभी करंट के जगह हमने उसको V बाय R के फॉर्म में लिख लिए, इसको भी और इसको भी, ओके। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहां पे I1 जो है वो यहां पे प्लस टू माइनस के अकॉर्डिंग लिए, आप कहेंगे कि यहां पे प्लस ऊपर था माइनस नीचे है तो प्लस टू माइनस कन्वेंशनल करंट शो करना होता है, तो ये आपने करंट ऐसा लिए, आप कहेंगे कि ये तो ठीक है लेकिन आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं लिए प्लस टू माइनस, ठीक है। आपने अगर प्लस टू माइनस इसको भी अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपने यहां डायरेक्शन लिए तो कुछ ऐसा होगा, देखो यहां पे ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे प्लस टू माइनस अगर आप करंट लेंगे तो ये प्लस का साइन ऊपर है तो करंट यहां से ऊपर से ऐसा निकलेगा और ये ऐसा होगा I2, ये देखिए ऐसा। आप कहेंगे कि अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल वही आंसर आएगा, बस आपको क्या करना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चेक करना है, ठीक है। अगर आपने ये कंडीशन लेके सॉल्व किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये I1 एंटर कर रहा है तो ये निगेटिव में आएगा, ठीक है, ये I2 भी एंटर कर रहा है तो यहां पे भी फिर निगेटिव आ जाएगा, समझ में आया, यहां पे भी निगेटिव आ जाएगा, पहले यहां पे पॉजिटिव था क्योंकि करंट हमने I2 इसके पहले लिविंग लिए थे, लेकिन
अगर आपने ये कंसिडरेशन किए I2 का, जो कि एंटर, ये देखो B पे एंटर कर रहा है, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा, और अगर यहां पे निगेटिव आया तो यहां पे भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली जो आंसर है ना वो एक ही आएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, दोनों तीनों मेथड से सॉल्व करके देखो, फाइनल आंसर एक ही आएगा जैसा हमने कहा, ठीक है। तो आप ऐसा सॉल्व करो, ये देखो एंटर एंटर और यहां से लीव, एंटर एंटर अगर आपने लीव लेके सॉल्व किए तो भी चलेगा, या अगर आपने एक एंटर और दोनों लीव लिए तो भी चलेगा। और एक बात बताते हैं, अगर आपने तीनों लीव लिए, अगर आपने तीनों लिविंग लिए तो भी चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये भी लिविंग लिए, ये भी लिविंग लिए, ये भी लिविंग लिए तो भी चलता। अगर आपने तीनों लिविंग लिए तो तीनों पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो भी फाइनल आंसर एक ही जाता है, ठीक है। और अगर आपने तीनों एंटरिंग लिए तो भी वही आता है, अगर आपने इसको भी एंटरिंग ले लिए, इसको भी और इसको भी अगर आपने एंटरिंग ले लिए तो भी फाइनल आंसर वही आता है, फिर तीनों के तीनों निगेटिव में हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको वो साइन देख के आपको आगे प्रॉपरली सॉल्व करना है, ये आप बस ध्यान में रखो, उसमें गलती नहीं करना, नहीं तो आप अगर कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया? तो क्योंकि ये हम इसलिए अलग अलग बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में लिविंग लिविंग दिया है, कुछ बुक्स में सिर्फ एंटरिंग दिया है, कुछ बुक्स में मिक्स दिया है, ठीक है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। बस हम आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, हमने जो पहले लिए थे वो हमने फिर से यहां कर लिए हैं, और इस तरह से हमने ये करंट को वी बाय आर के फॉर्म में सेट कर लिए, ठीक है। और अब यहां पर ये साइन के अकॉर्डिंग, बस ये साइन, ये जो माइनस है, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई कर लो, और यहां पे ए के अक्रॉस का वोल्टेज लिख लो, सी के अक्रॉस का वोल्टेज लिख लो। देखो ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे माइनस एज इट इज, ठीक है, या फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। और ए के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, देखो ए के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट। तो हम यहां पे वी ए लिखेंगे एज अ 6, तो हम यहां लिखेंगे यहां पे 6 माइनस ऑफ वी बी डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, प्लस वी बी माइनस ऑफ, देखो वी बी, अब देखो यहां सी है, सी के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, सी के तरफ का वोल्टेज है 4, तो हम यहां लिख लेंगे वी सी यानी 4 डिवाइडेड बाय 8। समझ में आया? देखो कितना आसान। और यहां पे वी बी माइनस वी डी माने 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। देखिए वी डी माइनस 0 क्योंकि हमने कहा था इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 है, तो वो हमने लिख दिए 0। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लो। देखो जो हम अब बात बताने वाले हैं वो अब इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जो हम बता रहे वो सुनो, ये जो हमने डायरेक्शन लिए थे करंट आई वन आई टू आई थ्री का, ठीक है, ये हमने एंटरिंग लिए और ये दोनों हमने लिविंग लिए, तो ये जो हमने डायरेक्शन लिए, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, आप तीनों एंटरिंग भी ले सकते हैं, आप तीनों लिविंग भी ले सकते हैं, या तो आप मिक्स कर सकते हैं, तो पूरा खेल वो डायरेक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। जैसे जैसे देखो ये I1 है, ये I1 अभी A टू B जा रहा है, तो A टू B जा रहा है, तो हमने यहां पे जो उसको V बाय R के फॉर्म में जो लिखे हैं, A टू B जा रहा है, इसलिए वी ए माइनस वी बी बाय 10 है, ओके। अगर यही डायरेक्शन अगर हमने लिविंग लिए होते, देखो अगर हमने यही डायरेक्शन अगर ऐसा लिविंग लिए होते, अगर मान लो ऐसा लिए होते, तो फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो वी बी माइनस वी ए बाय 10 हुआ रहता। समझ में आया? अगर ये हमने बी टू ए लिए रहते तो वी बी माइनस वी ए बाय 10 ऐसा हमने लिखे होते। यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो ये हमने आई टू यहां पर लिविंग लिए थे, अगर आपने आई टू यहां पर अगर मान लो एंटरिंग लिए होते, मान लो अगर आपने एंटरिंग लिए होते, तो फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी सी माइनस वी बी हुआ रहता, क्योंकि ये सी टू बी जा रहा है, तो अगर ये सी टू बी जा रहा है तो वी सी माइनस वी बी बाय 8 ऐसा हुआ रहता, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन आप क्या ले रहे हैं, जो आप डायरेक्शन ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सॉल्व होगा। लेकिन ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको साइन लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, एंटरिंग है तो निगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना, ये बस आपको डिसाइड करना है, ये पूरा कंफर्म होने के बाद ही आप पूरा सॉल्व करना, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? तो ये हम आपको जो बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो ये हम पहले की चीजें फिर से लिख लेते हैं और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो यहां तक हमने जो लिखा है ये, इतना होने के बाद अब इसके बाद सॉल्व करना काफी आसान है। अब यहां पर सिर्फ हमें वी बी निकालना है जैसा हमने कहा था, तो चलो यहां पर हम वी बी निकालते हैं। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएंगे माइनस 6 बाय 10 और ये प्लस वी बी बाय 10, ठीक है, प्लस ये वी बी बाय 8 माइनस ऑफ 4 बाय 8, ठीक है, प्लस ऑफ वी बी बाय 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओके। देखो ये तीन टर्म में वी बी है, ये तीनों टर्म में से वी बी कॉमन ले लो, तो अगर आपने वी बी कॉमन ले लिए तो यहां पे बचेगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 6, देखो इस तरह से,
ठीक है, यहां पे 1 बाय 10 बचा, या इसमें 1 बाय 8 बचा, इसमें 1 बाय 6 बचा, ठीक है। और ये जो टर्म है ये माइनस 6 बाय 10 और ये माइनस 4 बाय 8, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, वो अभी माइनस है, राइट साइड में वो प्लस हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहां पे 6 बाय 10 प्लस 4 बाय 8 इस तरह से, ठीक है। तो बस ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये हम लिखेंगे वीबी, ठीक है, ये ब्रैकेट का आंसर आएगा 0.391, ठीक है, और इक्वल्स टू ये 6 बाय 10 प्लस 4 बाय 8, ये इसका आंसर आएगा 1.1, ठीक है। और अब ये 1.1 को ये 0.391 से डिवाइड करो तो हमें वीबी मिल जाएगा, सो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे वीबी इक्वल्स टू 1.1 बाय 0.391, और इसको डिवाइड करने के बाद वीबी हमें क्या मिलता है, देखो ये वीबी का आंसर आएगा 2.81, तो हम यहां लिख लेंगे 2.81 वोल्ट, तो फाइनली हमें वीबी मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो लिखा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दैट नोड, ये नोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना था वीबी, तो वो हमने वीबी ये फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।